अस्सलाम वालेकुम, मेहर मोहम्मद उमर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। इससे पहले हमारी जितनी भी वीडियोस बनती हैं वो डे लाइट के अंदर बनती हैं। आज मैंने सोचा आपको एक छोटा सा नाइट व्यू जो है वो दिखा दूं। और आज हम मूव करने जा रहे हैं बहरिया अपार्टमेंट्स, टू बेड अपार्टमेंट जो कि 250 स्क्वायर फीट के हैं, और साथ ही हम व्यू करेंगे थ्री बेड अपार्टमेंट का। आज हम ओवरऑल इनका व्यू करने जा रहे हैं। हम इसके अंदर इनसाइड व्यू बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहरिया जो है वो अलाउ नहीं करता कि हम इनसाइड व्यू करें। और इस टाइम यहाँ पे क्या करंट प्राइसेस चल रही हैं और कौन कौन से टावर जिनका पोजीशन मिल चुका है, किनका पोजीशन अभी मिलना है, कौन से ग्रे स्ट्रक्चर पे हैं, तो हम इस हवाले से आज बात करेंगे। टोटल यहाँ पे तकरीबन 26 टावर्स हैं जिसके अंदर टू बेड, थ्री बेड और फोर बेड अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो जिसमें से जो कि तीन टावर हैं, टावर फोर, टावर सिक्स और टावर सेवन, ये थ्री बेड अपार्टमेंट के हैं। और टावर एट जो है वो फोर बेड अपार्टमेंट का है। बाकी रिमेनिंग 22 जो टावर्स हैं वो टू बेड अपार्टमेंट के हैं। इस टाइम मेरे बिल्कुल राइट साइड पे मेन जना एवेन्यू और मेरे लेफ्ट साइड पे टावर 15, टावर 16 और ऑनवर्ड तकरीबन टावर 17, टावर 18 जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम करंट प्राइसेस के हवाले से बात करें जो कि बिल्कुल मेन जना एवेन्यू के ऊपर अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, कॉर्नर की बात नहीं मैं कर रहा, मैं सबसे पहले बात करूंगा जो कि जनरल अपार्टमेंट है ग्राउंड फ्लोर से लेके ऑनवर्ड 6 फ्लोर तक। तो यहाँ पे हमें इनकी प्राइसेस तकरीबन 72 लाख, 70 लाख, 73 लाख, ये हमें प्राइसेस देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइसेस के हवाले से बात करें तो यहाँ पे तकरीबन मिनिमम जो प्राइसेस चल रही हैं वो 62 लाख से लेके, जिसके अंदर विद की अपार्टमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 62 लाख से लेके ऑनवर्ड तकरीबन 80 लाख तक इनकी प्राइसेस चल रही हैं। और ये सारे के सारे विद की अपार्टमेंट्स हैं। ये जो मिनिमम मैंने आपको अमाउंट बताई है ये हमें ग्राउंड फ्लोर पे या तो अपार्टमेंट मिलेगा या टावर 21, 22 इस साइड पे हमें अपार्टमेंट मिल जाएगा। बाकी जो अप प्राइसेस हैं इसके अंदर कॉर्नर आ जाते हैं, कंपाउंड फेस आ जाता है, जना फेसिंग कैटेगरी जो अपार्टमेंट है वो आ जाता है। तो बेसिकली मेरा सिर्फ उसी पर्पज यही बताने का था कि इस टाइम करंट प्राइसेस जो क्या चल रही हैं, और एक व्यू भी दिखा दूंगे कितनी फैमिलीज यहाँ पे मूव हो चुकी हैं। अगर हम फैमिलीज के हवाले से बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टावर 25 और 26 जो कि ग्रे स्ट्रक्चर टावर्स हैं, ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुए क्योंकि अभी ग्रे स्ट्रक्चर पे हैं और तकरीबन 8 से 9 माह का या साल का टाइम अभी रिक्वायर्ड है और उसके बाद हमें पोजीशन मिलेगा। इस टाइम अब मैं उनका भी व्यू दिखा देता हूँ कि इस टाइम उनका कंस्ट्रक्शन लेवल कितना हो चुका है। बाकी टावर 11 और 12 इनका भी पोजीशन नहीं मिला और यहाँ पे भी फैमिलीज जो हैं वो मूव नहीं हुई। बाकी जितने भी टावर्स हैं वहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो मूव हो चुकी हैं। वैसे इन्होंने आगे से क्लोज किया, हो सकता है हमें अलाउ ना करें आगे जाने का क्योंकि वहाँ पे अभी काम हो रहा है और कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है बहरिया वाले वहाँ पे ब्लॉक्स लगा देते हैं और वहाँ हमें अलाउ नहीं किया जाता। तो आज से अगर हम 3 माह पहले की वीडियो को कंपेयर करते हैं आज की वीडियो के साथ, अगर अभी हमारे लेफ्ट हैंड पे थोड़ा सा टर्न करेंगे, ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स रखे गए थे और प्रॉपरली ग्रे स्ट्रक्चर भी नहीं था। इस टाइम इसका जो मेन काम रह गया वो फिनिशिंग का काम रह गया, ठीक है, एल्युमिनियम का काम रह गया है और बाकी अंदर टाइल्स का काम रह गया और जो वाइट वॉश है उसका काम रह गया। तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम भी अगर आपको बताऊं तो तकरीबन 8 से 9 माह का टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा और हमें इसका पोजीशन मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर हम करंट प्राइसेस की बात करें टावर 25 और टावर 26 के अंदर, तो यहाँ पे हमें तकरीबन मिनिमम 49-48 लाख का जो अपार्टमेंट है वो मिल जाता है और मैक्सिमम तकरीबन 54-55 लाख का अपार्टमेंट भी मिल जाता है। इसके अंदर जना कैटेगरी अपार्टमेंट जो है वो थोड़ा कॉस्टली है, बाकी रिमेनिंग जो बैक फेसिंग है वो हमें सस्ते मिल जाते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इन अपार्टमेंट्स को,
या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप टावर 25, टावर 26 के अंदर कैटेगरी अपार्टमेंट बाय कर लें, क्योंकि हमें इनकी 8 से 9 माह के बाद सेम प्राइसेस जो इस टाइम जना एवेन्यू के ऊपर जो टावर 13 से लेके टावर 19, 20 तक जो टावर्स हैं सेम यही प्राइसेस हमें तकरीबन आज से चंद माह के बाद हमें देखने को मिलेंगी। उसकी वजह यही है कि अभी वो ग्रे स्ट्रक्चर है तो हमें ये प्राइसेस नहीं देखने को मिलती। बाकी अगर यहाँ पे किसी का अपार्टमेंट है उसके हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं या सेलिंग बाइंग करना चाह रहे हैं तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर लीजिए, हमारे एजेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे और आपकी जो भी क्वेरी है इंशाल्लाह उसके ऊपर काम करेंगे। मैं मोहम्मद उमर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह इसी तरह आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।